नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। इस समय हम मौजूद हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में। हमारे साथ यहां के फेमस व्यापारी सनी जैन जी हैं, तो इनसे जानेंगे मसूर के बारे में। मसूर की इस समय इस मंडी में कितनी आवक हो रही है और क्या दाम चल रहे हैं, वही आगामी भविष्य को लेकर भी इनसे जानेंगे कि आगामी समय में क्या दाम रहने की उम्मीद है। तो पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। इस समय अशोक नगर की मंडी में मसूर की कितनी आवक हो रही है? भैया, अशोक नगर मंडी में मसूर की अराइवल करीब करीब 1500 से 2000 बोरी की हो रही है अभी। हाँ। पर और भाव बिक रही है 5400 रुपए से लेके 5650 रुपए तक। हाँ। पर क्या हो रहा है कि अच्छे माल जो है वो किसान ही किसानों से ले जा रहे हैं। नीलाम बोली के बाद किसान 50 रुपए बढ़ाकर सोसाइटियों पर तुलाने माल ले जा रहे हैं। वो तो व्यापारियों को बिल्कुल भी पड़ते हुए माल नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आप जो सोसाइटी वाला और इसमें फर्क कितना है? सोसाइटी वाले में और इसमें भैया करीब करीब 800 रुपए का फर्क है। 6600 रुपए सोसाइटी का भाव है समथिंग, और मंडी में 5500 रुपए। अच्छा, यहाँ पर जो इतनी आवक हो रही है वो किस प्रकार का हो रहा है? वो सोसाइटी में क्या ले नहीं रहे उसे? नहीं नहीं भैया, क्या है कि पंजीयन किसी किसानों के ज्यादा हो गए, या कोई किसान जो पंजीयन में तुलाना नहीं चाहता तो उसका लाभ दूसरे किसान उठा रहे हैं। इनसे 50-75 रुपए बढ़ा के ले जाते हैं ट्रालियां और पंजीयन में तुलवा रहे हैं। पंजीयन केंद्रों पे भी भयंकर भीड़ पड़ रही है। मतलब यहाँ की अपेक्षा देखा जाए तो उधर बहुत ज्यादा भीड़, उधर भी बहुत भीड़ है, उधर भी बहुत भीड़ है भैया। ये इस मंडी में जो सरसों है वो आप ये जो मसूर आ रही है वो कौन कौन सी किस्म वाली है? भैया, इस मंडी में जो पूरी मसूर आ रही है सिर्फ दाल वाली किस्म की आती है। अच्छा। हाँ। अलग अलग वैरायटी रहती होगी ना मसूर की? भैया, दो वैरायटी रहती है, देसी और वो भूरी। हाँ। जो देसी मसूर है अब तो वो किसानों ने बोना बहुत ही कम कर दिया, चाइना की मसूर 70 बोल रही है। चाइना वाली? हाँ। इसमें दाम अधिक कौन सी के मिलते हैं? दाम भैया अधिकतम चाइना वाली मसूर के मिल रहा है। अच्छा। आगामी समय में क्या कहना चाहेंगे, मसूर की क्या स्थिति रहने वाली? भैया, मसूर की स्थिति ऐसी बनी रहेगी, लगभग 200-300 रुपए और टूटने के आसार लग टूट सकते हैं। हाँ हाँ भैया। ये कौन से समय का अनुमान है आपका? सरकारी खरीद बंद होने के बाद, मतलब जैसे ही खरीदी बंद होगी तो इसके दामों में कुछ गिरावट आ जाएगी। अच्छा, बीते कुछ दिनों से ये जो जब से खरीदी चालू हुई है उससे इस समय कुछ उछाल आया है क्या इसमें? हाँ भैया, करीब करीब 150 से 200 रुपए का उछाल आ गया। ऊपर कोई उछाल नहीं है, मंडियों में उछाल है क्योंकि व्यापारियों को माल नहीं मिल रहा और जो भी माल बिकता है वो किसान ले जाते हैं। तो यहाँ से इस मंडी से लगभग कितना माल जा रहा होगा किसान? करीब करीब भैया 500 से 1000 क्विंटल सरसों और 500 से 1000 क्विंटल मसूर किसान द्वारा ले जाए। मतलब ये सीधा सीधा व्यापारियों के लिए लॉस है? सीधा सीधा व्यापारियों के लिए लॉस है भैया, और सरकार के लिए भी लॉस है। इससे मतलब जो किसान वास्तव में हकदार है वो माल तो लाए। हाँ। ये तो कुछ मतलब किसानों की आड़ में कुछ व्यापारी धंधा कर रहे हैं कुल मिला के, उन्हें किसान न कहते हुए व्यापारी कहेंगे जो मंडी से माल ले जाकर सोसाइटियों में तुला रहे हैं। पंजीयन करवा लिए हैं और यहाँ से माल उठा के और तुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बार किसानों के पास इसकी आप उत्पादन कैसा हुआ है? कितना भैया किसानों के पास उत्पादन ठीक है, रकबा इसका बड़ा था पर थोड़े से मौसम की मार की वजह से इसका सही रकबा नहीं लग पाया। फिर भी बहुत पिछले साल की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन है सरसों मसूर का। अच्छा। जी जी। मतलब इसका एरिया बड़ा था, क्षेत्र? हाँ, क्षेत्र बड़ा था भैया। उत्पादन कैसा रहा? उत्पादन थोड़ा कम रहा, हेक्टेयर बड़ा था। उत्पादन कितना कम होगा लगभग? इसका कोई आइडिया नहीं। आगामी समय में आने की उम्मीद है कितनी आएगी? ऐसी चलेंगी भैया मंडियां तो पूरी साल। कितनी लगभग? यही आती रहेंगी भैया 1000-1500 बोरा मसूर आती रहेगी पूरी साल। जी। अच्छा, तो आपको बताया गया है कि किस तरह से इस मंडी से जो समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हुई है इसके बाद से व्यापारियों को कुछ मसूर को लेकर परेशानियां आने लगी हैं। उनका कहना है कि यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पंजीयन करा लिए और किसानों से कुछ दाम बढ़ाकर ले जाते हैं। वहीं भाव को लेकर भी बताया गया है कि लगभग जैसे ही समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद होगी तो इसमें गिरावट देखी जाएगी।